नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि पिछले एक महीने में मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि फिनोलॉजी में हम ला रहे हैं नई इन्वेस्टमेंट वेबसाइट, और उस वेबसाइट के लिए हमारा एम है कि वो आपके लिए इंडिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट वेबसाइट होनी चाहिए। तो पिछले कुछ महीनों से उसी की तैयारी में बिजी थे, लेकिन अब अगले हफ्ते वो वेबसाइट हो रही है लाइव और हम सब वो वेबसाइट आपके सामने लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो उसी के कारण वीडियो डालने में डिले हुआ, जिसके लिए फिर से मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। आज का ये वीडियो एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे है। हम जानेंगे 6 ऐसे यूनिक तरीके जिससे इस साल आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। और मुझे पता है कि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए वो बेसिक से टिप्स देके मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। इस वीडियो में 6 ऐसी टिप्स होंगी जो बहुत ही यूनिक है और शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और जो सच में आपका ज्यादा पैसा सेव करने में मदद करेंगी। इसके साथ ही एज अ बोनस इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन टिप्स को आपने फॉलो करके जो एक्स्ट्रा पैसा बचाया है उसे अच्छे से इन्वेस्ट कहां करें। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दबा दीजिए इस बेल आइकन को ताकि इसी तरह के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो मुझे पता है कि वो जो कॉमन सेविंग टिप्स हैं कि एसी बस में ना जाके नॉर्मल बस में जाएं, प्लेन में इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करें, इस तरह की पैसे बचाने की टिप्स आप सभी को पता है और आप लोग वो फॉलो भी करते हैं। लेकिन ये करने के बाद भी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं होता, बहुत सारी सेविंग्स बढ़ नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक जगह से पैसा बचा तो लेते हैं, लेकिन वो पैसा बचा के किसी ना किसी दूसरी जगह हम उसे वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर एक संडे को हम खाना खाने बाहर नहीं गए तो अगले संडे उससे दुगनी महंगी जगह हम खाना खाने बाहर चले जाते हैं, ये सोच के कि पिछले हफ्ते तो सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसे में जो पिछले हफ्ते आपने सैक्रिफाइस किया और जो सेविंग्स की, उसका लॉन्ग टर्म में आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो जरूरी ये है कि आप सेव इंटेलिजेंट तरीकों से करें, और आप कर रहे होंगे, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो भी पैसा आपने सेव किया, चाहे आपने रेस्टोरेंट जाना छोड़ा, चाहे आपने मूवी देखना छोड़ा, जैसे भी आपने पैसा सेव किया, तुरंत उसे इन्वेस्ट कर दें। अक्सर होता क्या है कि हम म्यूचुअल फंड्स की SIP किसी फिक्स्ड डेट्स में रखते हैं और जो एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है उतना कटता रहता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेविंग्स आती है ये कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आज आपने 500 रुपए बचाए, तुरंत अपना म्यूचुअल फंड ऐप खोलें और जाके उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, ताकि जो आप सेव कर रहे हैं वो सच में आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दे, उससे आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके। सेकंड, अपने बिल्स को हमेशा सेफ रखें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिर्फ अगर आप बिल्स संभाल के रखेंगे तो आप हर साल कितना सारा टैक्स बचा सकते हैं। चाहे डॉक्टर के पास कोई टेस्ट कराया हो उसकी रिसीट हो, चाहे न्यूज़पेपर्स की रिसीट हो, या फिर बच्चों के लिए जो स्कूल में पैसे दिए हो उसकी रिसीट हो, ये सारी रिसीट्स, ये सब पैसा जो आपने इन जगहों में खर्च किया है, इसके बदले आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा, उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो हमेशा जो भी आप खर्चा कर रहे हैं इस तरीके का, उसे जरूर उसकी रिसीट संभाल के रखें और साल के एंड में अपने CA या फाइनेंशियल एडवाइजर को दिखाएं, ताकि वो बेस्ट सजेस्ट कर सके कि इन रिसीट्स के जरिए कैसे आप ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा, अपने लोन्स की रेगुलर ट्रैकिंग करें। अक्सर होता क्या है कि आपने 20 साल के लिए कोई होम लोन लिया और तब उसका इंटरेस्ट रेट 9.5% था और आप हर साल 9.5% के हिसाब से ब्याज दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने फ्लेक्सिबल यानी कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एडजस्ट होने वाला होम लोन भी लिया है, तो भी अक्सर कई फाइनेंस कंपनियां ये बोलती हैं कि हर बार जब इंटरेस्ट रेट कम हो तो आपको लिखित में एप्लीकेशन देनी है आपका इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। तो मैंने कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ साल पहले 11-12% पे फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट वाला होम लोन लिया था, और आज जबकि होम लोन का रेट काफी घट चुका है तो भी वो 11-12% का ही ब्याज दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें बस अपनी होम लोन वाली कंपनी के पास जाना है, एक एप्लीकेशन देना है कि बाजार में होम लोन कम हो गया है, ये कंडीशंस थी, मेरा भी होम लोन कम करिए, और आपकी कंपनी तुरंत आपका होम लोन कम कर देगी। अक्सर ये कंपनियां अपने आप से होम लोन कम नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि लोग कई बार ध्यान नहीं देते तो उनसे ज्यादा इंटरेस्ट कमाए जाओ। तो ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर में पढ़ें कि इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं, जाके अपने
अपने बैंक से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात करें, उन्हें एप्लीकेशन दें और अपने होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम करवाएं। चौथी चीज, अक्सर जब हम बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं तो वो आपको कुछ चार्ज शीट देते हैं कि IMPS का इतना चार्ज लगेगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो इतना चार्ज लगेगा, चेक रिटर्न हुआ तो इतना चार्ज लगेगा, वगैरह वगैरह। और हम सब सोचते हैं कि ये तो प्रिंटेड चार्जेस हैं, कंपनी की पॉलिसी है, इसमें कोई एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकता। लेकिन जरा इसे ऐसे सोचिए कि आज मार्केट में 40-50 बैंक्स हैं और उन सारे बैंक्स में कॉम्पिटिशन है कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट उस बैंक में खुले, उस ब्रांच में खुले। तो इतने कॉम्पिटिशन के कारण अक्सर आप अपने बैंक एजेंट से बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट में लिखा है कि IMPS का 5 रुपए लगेगा, लेकिन वो चार्ज हटाइए तभी मैं इस बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको फ्लेक्सी डिपॉजिट की फैसिलिटी चाहिए जिसमें 20,000 रुपए के ऊपर आपको 4% नहीं 7% इंटरेस्ट मिले। तो ऐसे कई तरह की चीजें हैं जो बैंक्स मेंशन नहीं करते, या फिर वो जो मेंशन करते हैं उससे कम चार्ज में बैंक आपको सर्विस देने पे तैयार हो जाएंगे, अगर बस आपको ये पता हो कि आपको अच्छे से बैंक से नेगोशिएट करना है और उनको अगर आपका अकाउंट चाहिए तो वो जरूर आपके हिसाब से जरूरी चार्जेस को कम कर देंगे। कैसे बैंक से आप ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। अक्सर जब हम हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे होते हैं और जब आप यंग होते हैं तो आपको लगता है अभी मुझे क्या हो रहा है, अभी क्या जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस लेने की, बाद में देखेंगे। लेकिन टर्म प्लान जब आप ले रहे हैं, प्योर लाइफ इंश्योरेंस जब आप ले रहे हैं, तो आज अगर आप इंश्योरेंस लें जबकि आप यंग हैं, अगर आप 24, 25, 26 साल के हैं, तो जरूरी है जितना जल्दी हो सके आप टर्म इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आज आपका प्रीमियम डिसाइड होगा जो जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर आज आपका प्रीमियम डिसाइड होता है 1 करोड़ की इंश्योरेंस का 7,000 रुपए, तो जब आप 60 साल के होंगे, जब आप 55 साल के होंगे, तब भी आपको 7,000 रुपए महीना ही देना है। लेकिन अगर आप आज लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते, आज से 20 साल बाद लेते हैं, तो तब प्रीमियम भी बढ़ के आएगा और वैसे में आपको ज्यादा प्रीमियम देना रहेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस लेने में बिल्कुल देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके लाइफ इंश्योरेंस लें, और उसके साथ ही क्रिटिकल इलनेस कवर भी लें, क्योंकि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर लेते हैं तो ऐसे में क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम भी फिक्स हो जाता है। इसीलिए क्रिटिकल इलनेस एड ऑन कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मत लीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल रिवाइज होता है, आप उसे लाइफ इंश्योरेंस के साथ लीजिए ताकि कभी भी प्रीमियम रिवाइज ना हो। तो लाइफ इंश्योरेंस कौन सा सही है, कैसे लेना चाहिए, इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने दोस्त के साथ उसके लिए एक बाइक खरीदने गया। वहां पे इंश्योरेंस वाले हमें कुछ जबरदस्ती के इंश्योरेंस टिका रहा था जिसमें कि प्रीमियम बहुत ज्यादा था और बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं था। तो उसे जब मैंने ये पॉइंट आउट किया कि इस तरीके का ये जो आप इंश्योरेंस बेच रहे हो ये गलत है और ये आप हम पे थोप नहीं सकते, तो उसने डर के अपनी गलती मानी और बाइक के इंश्योरेंस पे, केवल इंश्योरेंस पे हमें 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। वैसे ही कई बार ये कार और बाइक के साथ आपको जबरदस्ती की एक्सेसरीज थोपते हैं आपके ऊपर और कहते हैं कि कंपलसरी है, तो उनसे पूछिए कि कहां लिखा है कि ये कंपलसरी है, दिखाइए कंपनी की पॉलिसीज और जरूर आप शोरूम से एक अच्छा खासा डिस्काउंट लेके निकलेंगे, काफी बचत करके निकलेंगे। यहां तक कि आप जान के हैरान हो जाएंगे और ये बड़ा ही मजेदार किस्सा है कि हम सोचते हैं कि भारत में ही मोल भाव होता है। रिसेंटली मैं इसराइल ट्रिप पे गया था और आप वहां विश्वास नहीं करेंगे कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मेन्यू में प्राइसेस लिखे हुए थे कि बर्गर कितने का है, सैंडविच कितने का है, तो इसराइल में रेस्टोरेंट में मेन्यू के प्राइसेस तक में मोल भाव होता है। जैसे वो एक बर्गर दे रहे थे 400 रुपए का और हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, डिस्काउंट मांगा, तो वो बर्गर हमें 250 रुपए का मिल गया। तो सोचिए जरा, आप अगर डिस्काउंट चाहें तो कहां नहीं मिलता और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और अब बारी है बोनस टिप की। देखिए, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, आप में से ज्यादातर लोग रेगुलर SIPs भी करते होंगे, लेकिन उसमें एक हल्का सा चेंज करना जरूरी है। अक्सर हम SIPs को इस तरह डिवाइड करते हैं, एक SIP 10 तारीख को, एक 20 तारीख को, एक 30 तारीख को, ये सोच के कि इससे मार्केट के अलग अलग लेवल में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन जो लोग कई सालों से ऐसा कर रहे हैं वो जानते हैं कि अक्सर महीने के अंत में थोड़े पैसों की तंगी हो जाती है और ऐसे में वो अपने ब्रोकर को या फिर ऐप में
आखिरी वाली SIP को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, हर महीने डिसिप्लिन के साथ आपके पैसे इन्वेस्ट होते रहें। इसलिए ज़रूरी है कि आपको जितनी SIP इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो महीने के शुरू के 15 दिनों में ही कर लें। तो अगर आप 3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख को ही सारा इन्वेस्टमेंट कर दें। हो सकता है कि उसके बाद अगर महीने के आखिरी 15 दिनों में थोड़ा बहुत मार्केट गिरे तो आपका वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इस डिसिप्लिन से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप पूरी तरह अनुशासन हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। कोई भी SIP आपसे उस महीने की थोड़ी तंगी के कारण मिस नहीं होगी और आपका डिसिप्लिन से वेल्थ क्रिएट होता रहेगा। तो चाहे आप कितना भी एक्स्ट्रा बचा सकें, महीने का 500 रुपए, 1000 रुपए, पहले इतने छोटे पैसे म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं होता था, क्योंकि ब्रोकरेज काफी लग जाता था स्टॉक्स में। अगर आप 500 रुपए के शेयर ही खरीद बेच रहे हैं तो उसमें 25 रुपए तो ब्रोकरेज लग जाता था। वहीं 500-500 रुपए के लिए बैंक जाना और अपने या फिर अपने एजेंट को बुलाना कि एक बार ये फंड में लगा दो, और उसी तरह अगर आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा किसी महीने म्यूचुअल फंड में लगाने हो तो खुद बैंक जाना या फिर एजेंट को बुलाना और उसे 500 रुपए का चेक देके बोलना कि ये भी लगा दो, प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन आजकल डिजिटल एप्स के कारण आप चाहे तो 100 रुपए महीने का एक्स्ट्रा बचाएं और उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीरोधा जैसे ऐप्स ने स्टॉक इन्वेस्टिंग को भी कर दिया है जीरो ब्रोकरेज यानी कि टोटली फ्री, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी कर दिया है टोटली फ्री। आपको बस एक बार 300 रुपए का अकाउंट खुलवाना है और उसके बाद जितना चाहे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको किसी को कोई ब्रोकरेज कमीशन या पैसे देने ही नहीं। तो अगर आप भी आज ही से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, अगर आप भी आज से अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपना जीरोधा में ऑनलाइन ब्रोकिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जीरोधा की सारी जानकारी और अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारी जो वेबसाइट लॉन्च हो रही है नई, उससे रिगार्डिंग कई सारे स्पेशल ऑफर्स हम डालने वाले हैं हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट में, जिसकी ID अब आपके स्क्रीन पे है। तो वहां हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस, तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।